दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है। नए आदेश आपको यहां पर दिखाएंगे। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में प्रमोशन, ट्रांसफर या नियमित शिक्षक आने के कारण अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से मुक्त किया जा रहा है और कई जगह तो कर दिया गया है, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से स्पष्ट आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं करना है। अब उसी संबंध में एक बार फिर से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर बताया गया है कि नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों ही काम करेंगे, किसी को भी नहीं हटाना। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहन परेशान है, उनकी परेशानियाँ इस आदेश के बाद खत्म होगी। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी वनखेड़ी जिला नर्मदापुरम की तरफ से 11/10/2023 यहां पर की तारीख पर आदेश जारी हुआ है। ऑफिशियल आदेश का क्रमांक यहां पर देख सकते हैं। साथ ही यह आदेश प्रति समस्त शंकु प्राचार विकास खंड वनखेड़ी के लिए तत्काल लागू किया गया है। यहां पर देखिए, विषय है शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न करने विषय के, यानी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो ज़्यादातर संकुल प्राचार हैं वह अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं प्रमोशन से या स्थानांतरण से, या फिर नियमित शिक्षक आने के कारण उन पदों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं। जबकि DPI यानी लोक शिक्षण से स्पष्ट निर्देश है, आदेश है कि अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करना है, तो उनके लिए बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। पूरा यहाँ पर आदेश आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है। आपके संकुल अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे गए हैं। यदि संस्था में उच्च पद प्रभार अथवा स्थानांतरण से शिक्षकों की पदस्थापना, यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षकों की पदस्थापना होने के कारण पद भर जाने की स्थिति में आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षकों को यथावत रखने के निर्देश वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त हुए हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से, यहाँ पर देख सकते हैं, कड़ाई से पालन करते हुए अतिथि शिक्षकों को आगामी आदेश तक कार्य मुक्त न किया जाए एवं रिक्त पद होने की स्थिति में कोई नवीन आवेदन ना लिया जाए। तो देख सकते हैं दो तरह के अपडेट हैं, एक तो कोई नया आवेदन ना लिया जाए और दूसरा है अगर कोई नियमित शिक्षक आ जाता है और वहां पर अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहा है तो उसको बाहर नहीं करना है, वह भी स्कूल आएगा, नियमित शिक्षक भी स्कूल आएगा, दोनों लोग स्कूल पर अध्यापन का कार्य करवाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। हालांकि यह आदेश लोक शिक्षण से पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप जानते हैं अतिथि शिक्षक का कितना ज़्यादा शोषण होता है। कोई आदेश आता है उसका अलग ही मतलब निकाल लिया जाता है। जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि बहुत से अतिथि शिक्षकों को यह कहा जा रहा है कि अभी आप स्कूल मत आइए, पोर्टल पर आपका नाम रहेगा लेकिन स्कूल मत आइए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी राहत है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी मनखेड़ी यहाँ पर 11/10/2023 का ऑफिशियल आदेश, साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया गया है ऑफिशियल सिग्नेचर यहाँ पर। तो यह आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देगा, किसी भी अतिथि शिक्षक को स्कूल से नहीं यहाँ पर हटाया जाएगा इस आदेश के तहत। ये मेरी जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए आदेश के साथ। धन्यवाद।